चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी है और लाखों की संख्या में भक्त बाबा केदार के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और ऐसे में ये आपको भी लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ में बाबा केदारनाथ धाम। चौकी मत, उत्तराखंड ही नहीं, हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, जहां के मनेंद्रगढ़ में सिद्ध पहाड़ी पर बन रहा है शिव मंदिर हूबहू केदारनाथ धाम की तरह। छत्तीसगढ़ में दिखेगी बाबा केदार की झलक। केदारनाथ धाम की तर्ज पर हो रहा मंदिर निर्माण। सिद्ध बाबा पहाड़ी पर 100 वर्ष पुराना शिवलिंग। दो तस्वीरें आपके सामने है। एक है उत्तराखंड के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बिराजे बाबा केदारनाथ का धाम, तो दूसरा है उत्तराखंड से करीब 900 किलोमीटर दूर स्थित सिद्ध बाबा धाम, जिसकी संरचना हूबहू बाबा केदार के धाम की तरह ही है। लेकिन यहां के प्रति लोगों की आस्था और मान्यता भी कम नहीं। करीब 1000 फीट ऊंची पहाड़ी, जिसे सिद्ध बाबा की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है और माना जाता है, यहां भोलेनाथ का मंदिर है जो 117 साल पुराना है। इस मंदिर की स्थापना कोयला खदान में काम करने वाले मजदूरों ने मिलकर की थी। हालांकि तब यह स्थान काफी छोटा हुआ करता था, लेकिन तब से लेकर आज तक यहां के प्रति लोगों की जो आस्था और श्रद्धा है, उसमें दिनों दिन बढ़ोतरी ही हो रही है। एक 117 साल पहले 1905 में इस स्थान की नींव रखी गई थी और मंदिर के पुनर्निर्माण का काम साल 2020 में 20 फरवरी को शुरू किया गया। यहां निर्माण करा रहे लोगों ने तब तय किया कि इस स्थान को भी बाबा केदारनाथ के धाम की तरह ही तैयार कराया जाएगा, जिसके बाद अब ये मंदिर मूर्त रूप ले रहा है। छत्तीसगढ़ की पहचान अब केदारनाथ के तर्ज पर कोरिया जिले के अविभाजित कोरिया जिला एमसीबी में बना यह सिद्ध बाबा धाम, जो कि 1905 में इसकी स्थापना हुई थी, एक छोटे से मंदिर के रूप में स्थापना हुई थी। कालरी कर्मी जो यहाँ पे सबसे पहले 1905 में इसकी शुरुआत किए थे, जिसके बाद यह धाम आज जो 2023 में है लगातार अपनी प्रगति की ओर है। साथ ही आपको बता दूं कि 1905 से लेकर 113 सालों में इसकी दशा जो थी, अब जो है केदारनाथ के तर्ज पर लगभग 1,75,00,000 की लागत से इसका निर्माण कराया जा रहा है। लगभग 80% कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं, जिसके बाद यह छत्तीसगढ़ की पहचान अब केदारनाथ के तर्ज पे जाना जाएगा। वहीं हमारे साथ कई श्रद्धालु पुजारी और जानकार हैं, उनसे जानते हैं किस तरह से आप यह देखते हैं मंदिर है। लगातार इसकी चर्चा चलते आ रही है, पिछले 20 फरवरी 2020 से इसकी शुरुआत की गई निर्माण की, क्या सोच के शुरुआत की गई थी इस जगह पर? जो है ये प्राचीन समय का बना हुआ ये बहुत ही पुराना पुरातन शिव मंदिर है, जो सिद्ध बाबा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर सभी इस क्षेत्र के सभी समस्त लोगों का श्रद्धा यहाँ पर बनी हुई है और सबका श्रद्धा यहाँ पर देखने को मिलता है। अपने तन मन धन की सेवा से इस सेवा में लगे हुए हैं और हमारी समिति के द्वारा सुंदर इस भव्य मंदिर को निर्माण किया जा रहा है, जिसमें सभी नगरवासियों का क्षेत्रवासियों का विशेष सहयोग है। और यहाँ मान्यता है कि किसी भी प्रकार की मन्नत अगर व्यक्ति लेकर के आए तो सिद्ध बाबा की कृपा से पूर्ण रूप से पूर्ण होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केदारनाथ के तर्ज पर बन रहा है, क्या उसी नियमानुसार यहाँ पूजा होता है? नहीं, अभी तो विधि विधान जो है, अभी जो पहले तो पूजा भी नहीं होता था प्राचीन समय में, जो भी भगवान को अर्पण कर दिया जाता था। इस मंदिर को सिद्ध बाबा स्थान के नाम से जरूर पहचाना जाता है, लेकिन यह भी तय है कि मंदिर के पूर्ण होने के बाद आने वाले वक्त में ये छत्तीसगढ़ के केदारनाथ के नाम से भी प्रसिद्धि पाएगा।
सुजीत शाह, न्यूज 18, मनेंद्रगढ़। अब आपको बताते हैं कि कैसे यहां सिद्ध बाबा की स्थापना की गई, केदारनाथ और इस स्थान में क्या समानता है, अब इस मंदिर के निर्माण के बाद श्रद्धालुओं की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। स्थानीय लोगों की माने तो अंग्रेजों ने सन 1905 में कोलकाता की निजी कंपनी से कोयला उत्खनन के लिए यहां सर्वे कराया। चूंकि उत्खनन की शुरुआत के समय भारतीय संस्कृति के अनुसार आराध्य देव की पूजा की जाती है, इसी मान्यता के अनुसार पहाड़ों में स्थित बाबा भोलेनाथ की मूर्ति की यहां पूजा के बाद स्थापना कर दी गई, जिसके बाद क्षेत्र में कोयला उत्खनन शुरू हुआ और तब से यहां पूजा पाठ की शुरुआत हुई। कालरी में काम करने वाले कारीगरों ने यहां श्रमदान कर मंदिर का निर्माण कराया। लोग बताते हैं कि पहले यहां पूजा सिर्फ साल में एक बार 14 जनवरी के दिन होती थी और इस मंदिर के पहाड़ों में होने के कारण यहां आम जन भी नहीं पहुंच पाते थे। यहां पे देखते हैं कैसे किस तरह से इसकी शुरुआत शुरू से हुई थी, बतारे समिति के पत्थरों से काट कर बनाया गया। इसकी तर्ज पर केदारनाथ की सोच कहां से आई? दरअसल ये जो मंदिर है क्षेत्र का काफी कई साल पुरानी मंदिर है, जो लोगों के लिए धार्मिक स्थल का प्रायवाचक क्या था इसका, लोग यहाँ पहुँचना चाहते थे, ज़्यादा लोग धार्मिक स्थल पर पहुँचना चाहते थे, लेकिन एक विडंबना थी कि इस मंदिर तक पहुँचने के लिए लोगों को एक आवागमन जो होना चाहिए सुगम आवागमन, वो उनको मुहैया नहीं हो पा रहा था। लेकिन ये सिद्ध बाबा सेवा समिति जो आज के डेट में जो काम कर रही है, पर इनकी एक सोच थी कि कुछ ऐसा काम करें। और सबसे बड़ी बात यह मैं बताना चाहूँगा कि इस मंदिर का जो हालत थी 100 साल पुरानी होने के नाते जो हालत थी बिल्कुल दयनीय हो चुकी थी। दरअसल ऊंची पहाड़ी पर होने के कारण इस मंदिर तक पहुंचने में भक्तों को काफी मशक्कत करनी पड़ती थी, न तो यहां पहुंचने के लिए रास्ता था और न ही यहां कोई और सुविधा। लेकिन अब इसका पुनर्निर्माण शुरू होने के बाद लोग आसानी से यहां तक पहुंच सकेंगे। सिद्ध बाबा के भक्त इससे बेहद खुश हैं। वे कहते हैं कि पहले सालों में बाबा के दर्शन करने के लिए वे आया करते थे, लेकिन अब रास्ता सुगम होने के कारण वे हर खास पर्व और मौके पर यहां दर्शन कर पाएंगे। सेवक हूं और पहले जो है इस मंदिर की जो स्थिति थी बड़ी दयनीय थी, क्योंकि पानी की व्यवस्था और आवागमन के जो साधन हैं यात्रियों के लिए वो पहले नहीं था। लेकिन हमारे मणिनगढ़ के सेवा समिति के सदस्यों ने मिलकर यहां पर अभी आप स्थिति देख रहे हैं, जैसे रोड निर्माण है, पानी की व्यवस्था है और भव्य मंदिर है, इन लोगों ने बहुत कड़ा परिश्रम किया है यहाँ पे जनता को जागरूक करके जो है और जनता का सहयोग लेकर के यहाँ पे मंदिर का कार्य तेज गति से विकास पर चल रहा है इनके सहयोगों से, जनता के सहयोग से। हम लोग झगड़ा खान से आए हैं मनेंद्रगढ़ में, यहाँ सुने थे कि सिद्ध बाबा एक मंदिर है, बहुत अच्छी मंदिर है, तो यही क्या बोलते हैं हम लोग घूमते हुए आए और सोमवार को यहाँ महाआरती होती है, तो आज वही देखने आए थे, महाआरती में शामिल होने आए थे। यहाँ आने वाले लोग बताते हैं कि इस मंदिर में आकर उन्हें शांति और सुकून का एहसास होता है।
100 साल से भी ज्यादा पुराने इस मंदिर के प्रति लोगों की भारी आस्था है। उनका मानना है कि सिद्ध बाबा महादेव उनके सारे कामों को सिद्ध करते हैं। मंदिर की मान्यता कितनी है इस बात से ही समझा जा सकता है कि स्थानीय विधायक गुलाब कमरो अपने दौरे की शुरुआत भी यहीं से दर्शन करने की बात करते हैं। हम तो हर सोमवार को यहाँ आते हैं आरती के लिए। जब से यहाँ पर आ रहे हैं इतना सुकून मिलता है, कभी भी जब भी आके बैठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जन्नत में आ गए हैं। बहुत ही अच्छा, सबसे बड़ा सौभाग्य तो हमारा ये है कि हम मनेंद्रगढ़ की भूमि में हैं। सबसे बड़ा सौभाग्य है, इतना मतलब इतना अच्छा लगता है यहाँ पे। सब कुछ, जो भी परेशानी जो भी रहती है, सब कुछ हट जाता है मन से और यहाँ बैठ के बहुत अपूर्व शांति मिलती है। और बाबा ने कैसे लोगों से किया है, अपनी ओर आकर्षित किया है, ध्यान ही तो लोग पहाड़ों से चढ़ चढ़ के बड़ी मुश्किल से आते थे। जब हम आए तो जब बहुत पहले आए तो पता चला कि कोई बोल रहा हम 50 साल बाद आए हैं, ये रोड के कारण हम पहुँच सके। इतने उल्लास बुजुर्गों में था, बहुत ज़्यादा देखने को मिला कि वो इतने खुश थे, सबसे ज़्यादा बुजुर्ग खुश हैं। मंदिर की एक और खास बात है और वो है यहाँ स्थित एक पेड़। जैसे प्रयागराज में जिस तरह से एक ही पेड़ की जड़ से 3 पौधे निकले हैं, उसी तरह यहाँ भी दुर्लभ संयोग से नीम, पीपल और बरगद का पेड़ एक ही जड़ से निकला है, जो कुदरत का करिश्मा कहा जा सकता है। मंदिर का निर्माण करीब 80% पूरा हो चुका है। यहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था भी बनाई जा रही है ताकि 500 भक्त एक साथ बाबा के दर्शन कर सकें। खास बात ये भी है कि मंदिर के निर्माण के लिए ईंटें उत्तर प्रदेश से मंगवाई जा रही हैं, तो यहाँ लगने वाला मार्बल राजस्थान से मंगवाया गया है। मंदिर के पुनर्निर्माण का भूमि पूजन छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत ने किया था। अब जब मंदिर 80% बनकर तैयार हो चुका है तो इंतजार इसके देवार्पण का हो रहा है। समिति के सदस्य कहते हैं कि आगामी मकर संक्रांति को मंदिर का देवार्पण किया जाएगा। मंदिर की लागत करीब 2.25 करोड़ रुपए आई है। हमारी समिति की जो है ना सोच ये रही कि सिद्ध बाबा हमारे ग्राम देवता थे, बहुत दिन से ये जगह उपेक्षित थी और यहाँ महीनों से जो है कोई भी व्यक्ति नहीं आ पाता था। अचानक हमारी समिति के सदस्य सब यहाँ आए और भोले बाबा ने सबको जो है ना एक सेवा में रखा। सबसे अहम बात यह है कि जितने भी पर्वत कटा इसमें एक भी पेड़ का नुकसान नहीं हुआ और भव्य रोड बनी। रोड बनते बनते पूरे मनंदगढ़ में जो है हर आदमी ने इसे तन मन धन से इसमें साथ दिया और आज मंदिर जो है केदारनाथ के रूप में अपना वृहद रूप लेते जा रहा है। 80% करीब करीब कार्य पूरा हो चुका है। साथ ही आपको बता दूं कि पहाड़ों चट्टानों से काट कर यह सिद्ध बाबा धाम लगभग 1000 फीट ऊंचाई पे हैं। आप मेरे दूसरी तरफ आप देख सकते हैं मनेंद्रगढ़, ये शहर जिला मुख्यालय ये नजारा है और ये सिद्ध बाबा पहाड़ लगभग 1000 फीट ऊंचा है और यहाँ पे यह स्थित है। यह भारत का दूसरा केदारनाथ के तर्ज पर उभरता हुआ यह मंदिर है जहाँ पे तमाम श्रद्धालु प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में यहाँ पहुंचते हैं। सबसे बड़ी बात है साल में यह मेला लाखों की संख्या में 14 जनवरी के दिन लगती है जिसमें लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, जिसकी यह पहचान पूरे देश भर में है। सुजीत शाह, न्यूज 18, छत्तीसगढ़। और यार एक ब्रेक।